धर्मराज की एक और अज्ञानता का प्रदर्शन उन्होंने कर दिया है अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि भाई मुकेश खन्ना को ये एतराज है कि इस शो में मर्द जो है औरतों की ड्रेस पहनकर नाचते हैं, इसीलिए वो उस शो में नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मैं मुकेश खन्ना को ये बता दूं, भाई महाभारत में भी अर्जुन जो है वो बृहन्नला बनकर औरतों के कपड़े पहनकर नाचा था, तो आपने वो शो क्यों नहीं छोड़ा। मुझे हंसी आ रही है ये आर्ग्यूमेंट सुनकर। वो भी हमारे खुद के एक महाभारत की फैमिली के किरदार जो अपने आप को धर्मराज कहते हैं, जो अपने आप को हमेशा सत्य बोलने वाले कहते हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत का ज्ञान उनको कम हो गया है। महाभारत के बाद में आज तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। इन्होंने बहुत सारी वाहियात फिल्में भी की हैं आज, अदरवाइज ऐसी बात नहीं करते। कहां महाभारत का, व्यास मुनि का महाभारत, और कहां आप कपिल शर्मा का शो को कंपेयर कर रहे हैं। अर्जुन वहां नाचा था तो यहां पर ये लोग नाचते हैं तो कंपेयर कर रहे हो। अरे ये नाचना कुछ और है, वो नाचना कुछ और था। वो योद्धा थे, उनको शाप था, उर्वशी का उनको शाप था उसकी तरफ से कि तुमको लड़की बनकर जीना पड़ेगा। और वो एक साल का अज्ञातवास उन्होंने किया, पर वो योद्धा बन के किया था। और अगर उन्होंने वहां डांस भी किया था, अर्जुन ने बृहन्नला डांस किया था, वो कथक डांस था, वो उत्तरा को सिखाते थे, राजकुमारी उत्तरा को। उन्होंने कभी ऐसी असली हरकतें नहीं की थी, बैठना मेरे पास, तू कहां जा रही है, ऐसा नहीं किया था। उन्होंने ये किया था, उन्होंने डांस किया था। और डांस तो गोपी कृष्ण जी भी कहते हैं करते हैं ना, अच्छा लगता है हमको उनका डांस, कोई छोड़ के तो नहीं आता उनके शो को। लेकिन अगर इस तरह के शो में इस तरह के डांस दिखाओगे, डांस नहीं है, मुझे डांस से कोई इतराज नहीं है, इस शो में कोई डांस नहीं करता, लेकिन हरकतें करते हैं। बड़े बड़े स्टार आते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे क्रिकेट स्टार हो, और ये लोग आते हैं, ए मैं तेरे पास बैठना चाहती हूं, आप हंसते हैं उसके ऊपर। मुझे उसके ऊपर एतराज है, और मुझे इसकी इनकी अज्ञानता पर आज मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है कि इनको ये नहीं मालूम कि अर्जुन ने जो कुछ भी किया था वो उसकी व्यास मुनि की महानता थी। उन्होंने एक साल के अंदर उसको उनको सबको अलग अलग भेष में रहना था, और उनको ये फायदा था उस शाप का, जिससे वो बृहन्नला बनकर डांस टीचर बनकर उस राज्य में काम करते हैं विराट नगर में। उसको आप कंपेयर कर रहे हो आज के हिसाब से, ये कंपेरेबल नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया था ये बात करना और है। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो इनकी ज्ञान कम हो गया है, और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद कहना नहीं चाहिए, पर मेरा जब मुंह खुलता है तो मैं रुकता नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन एफटीआई के चेयरमैनशिप में भी स्टूडेंट्स लोगों ने उनकी इसी बात पर कि इस तरह की फिल्में कर चुके हैं, इसमें हमको ये चेयरमैन नहीं चाहिए, वहां पर उन्होंने उनका विरोध किया था, और मुझे याद है कि मैंने इनका सपोर्ट किया था। आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इनको सपोर्ट क्यों किया। अगर आप अपने ही महाभारत की फैमिली के एक किरदार के बारे में ऐसा बोलते हैं आप, और ये बताना चाहते हैं कि ये करोड़ों लोग देखते हैं, अरे बाबा करोड़ों लोग तो माफ करना, अगर आप कैमरे दिखाओगे तो लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोग देखेंगे बैठ के आपको, पर वो नहीं होता इंपॉर्टेंट। ये बताए तुम क्या देखना चाहते हो, मैं क्या देखना चाहता हूं। मुझे ये पसंद नहीं है कि सब देखते तो मैं देखूंगा, मैं इसलिए देखूंगा कि मुझे देखना है। और ये कौन डिसाइड करेगा, आप जैसे लोग तो नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको लगता है अंगूर मिल रहा है, अंगूरी का रस मिलने वाला है, आपको मजा लगता है। मुकेश खन्ना को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। अरे साहब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे इनवाइट किया है कि नहीं किया गया है, पर मुझे ये मालूम है कि मैं उस शो में नहीं जाता। तो लेट अस फिनिश दिस टॉपिक, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि यस, मैं इस शो में इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जाने चाहता था। अंत में एक छोटी सी बात और कर दूं, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा गुस्सा क्यों कपिल शर्मा के ऊपर है। इन्होंने शक्तिमान के दौरान एक छोटा सा स्किट किया था, उस समय कृष्णा अभिषेक भी हुआ करते थे इनके साथ में, शायद कॉमेडी सर्कस हुआ करता था, दोनों मिलके करते थे। उस वक्त शायद शक्तिमान चल रहा था, ये पता नहीं, चल चुका था, और उनके एक छोटी सी स्किट आई थी जिसमें शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में हमारे योद्धा कपिल शर्मा जी शक्तिमान के कॉस्ट्यूम पहनकर एक लड़की खड़ी हुई है, एक बेड बना के रखा हुआ है, और शक्तिमान लड़की की तरफ ऐ करके बढ़ता है, और सडनली फोन बजता है उसका, जैसे कॉल शक्तिमान को, ओ उंगली करके निकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर लड़की की तरफ बढ़ना चाहता है, फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कृष्णा अभिषेक को फोन करके पूछा, मैंने कहा तुम लोग क्या करते हो, शक्तिमान जैसे एक सात्विक कैरेक्टर को तुम लोग इस लाइट में दिखाना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं 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 मुकेश जी, क्या है कि ये स्किट तो मैं करने वाला था, पर ये कपिल ने कहा कि मुझे करने दो। मैंने कहा तुम लोग एक कैरेक्टर की इमेज को कैसी की तैसी करते हो, तुमको अलाउ कौन करता है, कोई सेंसर नहीं है तुम लोगों के ऊपर।
यही मुझे शिकायत है हिंदुस्तान में, ना एड के ऊपर सेंसर है, ना इस तरह के शोज के ऊपर सेंसर बोर्ड है, ना फिल्मों पर सेंसर बोर्ड है। ये लोग जो फिल्में बनाते हैं, ये आजकल के सो कॉल्ड जो नई जनरेशन आई है जो फॉरेन की फिल्मों को कॉपी करती है और उसको फिर बनाती है, ये भूल करके हमारा कल्चर उनका कल्चर नहीं है। तो इसीलिए मैं, मुझे वो दिमाग में था शक्तिमान का भी, तो मैं बुलाने पर भी नहीं जाता। ये तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे इनवाइट करके अपना अपमान नहीं किया, क्योंकि मैं उनको फोन पे ही बोल देता कि आपका वायर शो है। वेल दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस वायरल न्यूज की मुकेश खन्ना कपिल शर्मा के शो में क्यों नहीं थे।